तो भाई लोग, आखिरकार डीसी की मच अवेटेड मूवी द फ्लैश का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो कि भाई काफी सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट से भरा हुआ है। लिटरली मैंने नहीं सोचा था कि उस मूवी में इतना सब कुछ डाल देंगे, जहां ये मूवी एक्चुअल में डीसी यूनिवर्स को पूरी तरह बदल देगी। और भाई इसके ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, जहां रियलिटी रीराइट हो रही है और भाई सब कुछ बदल गया है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो द फ्लैश मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें, तो ये मूवी द फ्लैश पैराडॉक्स नाम के एक एनिमेटेड मूवी से काफी ज्यादा सिमिलर है, और भाई वो एक काफी ज्यादा ऑसम मूवी है। तो बेसिकली उस मूवी में होता ये है, तो फ्लैश अपनी मॉम को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से रियलिटी के बैरियर टूट जाते हैं और रियलिटी पूरी तरीके से रीराइट हो जाती है। जाइस यूनिवर्स में उस रात थॉमस वेन की जगह ब्रूस वेन मर जाता है और बैटमैन थॉमस वेन बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। वही बैरी अपनी सारी पावर्स खो देता है टाइम ट्रैवल की वजह से, और थॉमस वेन का बैटमैन उसे वो पावर्स वापस लेने में मदद करता है। जाइस में एक रिवर्स फ्लैश का बहुत बड़ा हाथ होता है। जाइस मूवी में क्लार्क केंट को किसी ने अडॉप्ट किया ही नहीं, गवर्नमेंट ने उसे एक रूम में बंद कर रखा है 28 साल से, जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं आती। बैटमैन ब्रूस वेन नहीं बल्कि थॉमस वेन है, और मैन और वंडर वुमन में वॉर छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हर तरफ सिर्फ मारकाट का माहौल है, और इन सब को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने फ्लैश पे है। और कुछ इसी तरह का हमें द फ्लैश मूवी में भी होते नजर आ रहा है, जहां अपने फ्लैश ने टाइम ट्रैवल के चक्कर में रियलिटी को रीराइट कर दिया, जिसकी वजह से पूरी रियलिटी चेंज हो गई है। फ्लैश के दो वेरिएंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ सुपरमैन नहीं बल्कि सुपर गर्ल है, साथ ही इस यूनिवर्स में अपने बेन एफ्लेक वाला बैटमैन नहीं बल्कि माइकल कीटन वाला बैटमैन है। और ये सब कुछ जैसे कम था, तो जनरल जॉर्ड भी जिंदा है, जो अपनी पूरी आर्मी के साथ अर्थ पे अटैक कर रहा है, और इस बार अर्थ को डिफेंड करने के लिए सुपरमैन नहीं है, जहां इस यूनिवर्स में सुपरमैन की जगह गर्ल है, और उसे भी आर्मी ने काफी समय से एक बंद कमरे में कैद कर रखा होगा, जो कि इस ट्रेलर को देखकर लग भी रहा है। और अगर इस मूवी की स्टोरी 50% में फ्लैश पैराडॉक्स की तरह होगी, तो ये डीसीयू को पूरी तरह से चेंज कर देगी। जेम्स गन ने खुद ही अनाउंस किया था कि फ्लैश मूवी डीसीयू को एक बार फिर से रीसेट करने वाली है, और इस मूवी के बाद एक नए यूनिवर्स की शुरुआत होगी, और भाई उसके लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जेम्स गन का ये नया डीसीयू भाई देखने में मजा तो आएगा, जिसकी शुरुआत द फ्लैश मूवी से होगी। साथ ही इस ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि इस मूवी में माइकल कीटन वाले बैटमैन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, वही अपने बैरी एलन को गाइड करेंगे रियलिटी को ठीक करने में। साथ ही इसमें फ्लैश के दो वेरिएंट्स नजर आ रहे हैं, जो कि साथ मिलकर काम करेंगे, और इस मूवी में सुपरमैन की कमी सुपर गर्ल पूरी करेगी। जहां हो सकता है कि आने वाले डीसीयू में हमें 2-3 साल तक सिर्फ सुपर गर्ल देखने को मिले। भाई इसमें बेनिफिक वाले बैटमैन का भी कैमियो है, पर उनका एक छोटा सा ही होगा। और भाई इस मूवी के ट्रेलर ने मुझे तो इस मूवी के लिए एक्साइटेड कर दिया है, जहां जनरल जॉर्ड और माइकल कीटन वाले बैटमैन को दिखा के इनने अपना दिल जीत लिया। पर भाई जॉर्ड के आगे सुपर गर्ल कब तक टिक पाएगी, ये जरा कहना मुश्किल है। साथ ही ये मूवी नए डीसीयू को सेटअप कर रही है, तो हो सकता है कि अब तक की सारी मूवीज बेकार साबित, मतलब हमने जो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देखी थी वो आने वाले यूनिवर्स का पार्ट नहीं होंगे। जेम्स गन अपनी एक अलग जस्टिस लीग बनाएंगे 7 से 8 साल बाद, जहां आपको ये तो पता होगा कि इस यूनिवर्स में सुपरमैन की पहली मूवी 2025 को आ रही है, तो इस हिसाब से जस्टिस लीग को भी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। पर इस मूवी से डीसीयू पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा, जो कि भाई मैं भी देखना चाहता हूं कि जेम्स गन नए डीसीयू को किस बुनियादों पे खड़ा करना चाहते हैं। जेम्स गन जैक स्नाइडर जस्टिस लीग जैसी मूवी की लाशों पर अपना महल बना रहे हैं, अगर इस बार भी ये फैंस को पसंद नहीं आया तो डीसीयू का तो भगवान ही मालिक है। एनीवे, बट ये तो मेरे थॉट्स थे इस मूवी के ट्रेलर को लेकर, पर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप डीसीयू को एक नए तरीके से देखना चाहते हैं, या फिर पहले वाला ही ठीक था, उसके बारे में भी कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग वी कैन एक्सप्लेन।